गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। राम राम साधु, स्वागत है आप सभी का बावड़े चोरो की टप्पे खाती व्लॉगिंग पे। तो भैया गायों की खोज में हमारा दिन है ये दूसरा। हम पहुंच चुके हैं दोरी मन्ना और यहाँ से भी 7-8 किलोमीटर दूर जाना है हमको बाड़मेर की तरफ। इस बार हम 2 दिन से टप्पे खा रहे हैं। हाँ, 2 दिन लगातार टप्पे खाए। हाँ, हो सकता है व्लॉग थोड़े इधर उधर है, मगर टप्पे 2 दिन से लगातार खा रहे हैं। तो आज के व्लॉग में क्या अच्छा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अपने को गौ माता पसंद आती है तो अपन घर लेके जाएंगे। देखो टीका नहीं लगा रखा है, इसका कारण ये है कि जस्ट नहाए धोए और हम हमारा टीका बैग सब लाना भूल गए, कुछ लाए नहीं। तो जैसे जो व्यवस्था वो कर ली, अब मंदिर मिलेगा वहाँ टीका लगेंगे। सरसों, हम हमेशा सरसों का तेल लगाते शरीर का। आज एक तो यहाँ पे धूड़ा धूड़ा खूब है, पगों में धूड़ा भर गया, गाड़ी में धूड़ा भर गया, तो जैसे तैसे करके साफ किया है। अंकल जी लेके आ गए चाय, और हमारे वसुधा गौ ग्राम से हम गायब होते ना तो पीछे लपड़े लपड़े होते। कल बारिश आ गई, सरसों भीग गई, गीजर खराब हो गया, और बघीरे की फिर मोहलेन टांग पकड़ के खींच दी जो उसके दर्द होता है। तो हमको जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पहले गाय लेके जाएंगे, गाय लेके जाते हैं। ठीक है, चलो चाय के चुस्का ले लो। चाय पियो, चाय पियो, चाय। गिलास घणी छोटी थी नहीं काका, एक और भर दूंगा, एक और भर दूंगा। तो भैया हम रवाना हो रहे हैं गौ माता को लेने के लिए, और गौ माता से पहले महादेव जी के नंदी महाराज दिख गए। बोल नंदी महाराज की जय हो, बोल जगत जननी गौ माता की जय हो। चले चलो। तो भैया ये आ चुके हैं जहाँ पे हमें गौ माता मिलेगी, देखनी है। देखो क्या बढ़िया एकदम गेट वेट कैसा लग रखा है, एकदम देसी तरीके से। चलो, और वो भी बालू रेत में। तो ये देखो भैया, यहाँ बाड़मेर साइड धोरीमन्ना में जीरा बाया हुआ है। जीरा की फसल के लिए कहते हैं एक बार हाथ में आती है, तीन बार में से एक। वो गाने में तो जीरे पे बने हुए राजस्थान में, इतने मेरे को गाने याद नहीं आ रहे, क्योंकि क्या मैंने कभी जीरे की खेती करी नहीं है। हाँ। अब की बार करूंगा तो फिर गाने कर ली हो, कर ली खेती, सरसों भीग गई, भीग गई। मैं तो वहाँ बारिश आ गई, मैं तो नेपे रुकाऊंगा, ऐसी तेजी खेती। तो यहाँ पे है देखो गौ माता है, यहाँ अरंडी और सरसों की खेती है। वो देखो वो दिख रही गौ माता, वो देखो वो सफेद वहाँ जाके दिख रही, वो एक और वो देखी इधर से काली वाली नहीं दिख रही थी, नहीं मेरे को नहीं दिख रही। तो ये हम पहुंच गए जहाँ गौ माता है, ये देखो इतनी सारी गौ माता है, 1, 2, 3, देखते हैं कौन सी पसंद आती क्या आती। ठीक है चलो। तो ये कह रहे हैं भैया गाय एकदम गरीब है, गरीब यहाँ पर सीधी गाय को गरीब गाय कहते हैं। हाँ। यहाँ और कलम गुजरात उधर भी कहते हैं ना, वहाँ वहाँ भी सीधी गाय को गरीब गाय कहते हैं, सीधी है, सीधी बोलेंगे। हाँ। गौ माता से तो भाग्यशाली कोई होता ही नहीं, सही में सीधी हो, सीधी है भैया। ये इन गौ माता की टोकरी है ये, और देखो इसका मुंह बांध रखा है ताकि मिट्टी नहीं खा ले, क्योंकि ये लोग मिट्टी में रहते। देखो इन वास्ते बांध रहे, बच्चे के पास गया तो गुस्सा है। हाँ नहीं 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 करूँ परेशान तेरे बेटे को, बेटे पावर चेक कर रहा है। कैसे? तो ये मेजरमेंट मशीन अब मेजर करेगी। 4.5 किलो की बाल्टी है, 5 लीटर की है, 5 लीटर 4.5 ठीक है। अब ये दूसरी गौ माता की धार चेक कर रहा है, पावर पावर। तो भैया गाय हमने देख ली है, आपने भी देख लिया छेड़ वेड़ कैसी है। अभी भैया दूध वाली वीडियो पूरी बना के भेजेंगे, तो अभी हम धोरीमन्ना से वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो वाली गाय माता एक पसंद आ रही है, दूसरी भैया जबरदस्ती करे लेना पड़ेगा, तो अपन को ऐसी लेनी नहीं है कि कोई गलत गाय आ जाए साथ में, इसलिए तो अब हम जा रहे हैं वापस सिरोही की तरफ। रस्ते में देखते हैं कोई दूसरी गाय मिली तो रस्ते में देखो यहाँ कोई मार्केट, क्या मार्केट लगा हुआ है, और इतने सारे आइटम है, समझ में नहीं आ रहा क्या ले क्या नहीं, सब खरीद लो ऐसे लग रहा है। देखो सब अभी लेते हैं, लेके बताते हैं। तो घूम फिर के हम फिर नागेश के घर पे आ गए हैं, नागेश हमको दिखाएगा गाय, इसने कहा था भैया दूसरी दिखाता हूँ, वो तो नट गया, वो तो उसने गद्दारी कर दी बे। अब ये दूसरी का रेट बोली थी उसमें, अब दे नहीं रहा। तो अब अपन जाते हैं, नागेश दिखाता है गाय, वो लेके जाते हैं अगर पसंद आती है तो। चलो बम चकरियां हुई जा रही है। चलो चलो। तो ये गाय ऐसे क्यों कर रही, ये पहली बार बिहेवी है, तो क्या पहली बार बिहेवी गाय हमेशा ऐसे करती है, तो उसके पीछे बांधने पड़ते हैं। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। इसको क्या थन पे गुदगुदी होती है। हाँ। तो इसको लगता है कर क्या रहे। हाँ। नागेश आ चुका है वापस, ये छोटा उस्ताद है पूरा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, गायों की तगड़ी नॉलेज है इसको। तो चलते हैं इसके साथ एक और गाय देख, अगर हमको अच्छी गाय दिलाता है तो इसके नंबर यहाँ डालूंगा, आप सब भी इससे गाय लेना। ठीक है, वो
तो हम कहीं गांव नागेश के साथ गांव में आए हैं और ये भैया भी हमारी वीडियो देखते हैं। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। अब बढ़िया गौ माता देखेंगे। गाय ऐसे ली जाती है घूम घूम के। तो ये है गौ माता। ये पीछे टोकड़ी है, टोकड़ा है। टोकड़ी है हाँ, वाइट टोकड़ी है। ये देखो गौ माता को दूर है, टोकड़ी को छोड़ा है, पावर सभी चेक करेगा ये संभव। वो क्या हुआ ये मतलब बैनक से भिड़क रही लेडीज गाय ऐसे ही नहीं ढूंढी जाती है। ये देखो नागेश के साथ बड़ी बात है, ये थोड़ा उस्ताद है, मुझे लगा नहीं था इतना सा गायों में इतना नॉलेज रखेगा। तो इसके साथ साथ घूम रहे हम और अभी कहाँ पहुँचे हम? अब हम जा रहे एक और गाय देखने घूम आता जिनके सिक्स थन छह थन है और छह वर्किंग। ये वाली गौ माता है, कौन करे? ये। आ रही है। हाल गया है 20 दिन है। ये देखो छह थन है, छह थन वाली गाय है और छह वर्किंग, चार साढ़े चार। तो संभव वहां जाके देखो चेक कर रहा है। दूध कितना है, क्या है? गाय तो सीधी है, नहीं तो ऐसे हाथ नहीं लगाने देती है। तो वो छह थनों वाली गाय देख के हम आ चुके हैं। अब लगी है सुबह से भूख, तो अब खाएंगे खाना। देख ली सुबह से, टीका लगाने का टाइम नहीं मिला। पहली बार मतलब ऐसे बिना टीके के ऐसे लग रहा है हम वो विधवा टाइप का कुछ लग रहा। तो अब अंकल जी के ढाबे पे आए, महादेव ढाबे पे, पूरा देसी खाना खाते हैं। आपको भी दिखाते क्या खा रहे, ठीक है? जय राम जी की। तो ये है राजस्थान का देसी खाना, एक नंबर खाना, मजा आ गया। तो भैया कहाँ पहुँच गए हम? घूम फिर के ननिया ला चुके हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप? मैंने क्या कल को एक ब्लॉग ऐसा अनसेंट अपलोड कर दिया था, तो वो एक मिनट का ही पोस्ट हुआ था। आगे वाले भी अनसेंट कर रहे हैं उसको, सही करने जा रहा हूँ। चलो साफ कर दूँ इसको, कैमरा साफ नहीं है। हाँ तो भैया ड्रेस चेंज हो गई है, देखा अचानक से ननिया ला के और हमने ऐसे चुटकी बजाई, चुंतरू का फुंतरू हो गया। तो जिम पर दू था हो गया, ननियाल में कपड़े पड़े थे तो धोने के लिए वहाँ दे दिए, वहाँ से चेंज करके आ गए। और अब हम जा रहे हैं हमारे फार्म वसुधा गौग्राम, क्योंकि थक चुके हैं, बहुत थक गए और मामले इतनी सब कुछ गाय देख के भी हमको जय श्री राम। इतनी सारी गाय ऐसा होना चाहिए, देखते हैं लोग बोले जय श्री राम। और इतनी सारी गाय देखने के बाद हमारे हाथ में या ये कह लो किस्मत में एक गाय लगी है जिसको हमने बुक किया है। अब आगे देखो वो क्या कहते हैं, कब आती है, कैसे आती है, कैसे आती है, या वो जो जिसके पास थी वो दलाल था वो कोई गोचा वोचा नहीं करते या कोई धोखा वोखा नहीं करते जैसे पहले वाले ने किया। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हमने बुक तो कर दी है, वो एक काली गाय नहीं थी थोड़ी मन्ना में, वो जिसके टोकड़ा था वो हमने बुक कर दिया। ओके ठीक है, अभी घर पहुंचते हैं आपको दिखाते हैं। चलो मोगली हमारा इंतजार कर रहा होगा दो दिन से, मोगली के जूते भी पड़ने बाकी है। चलो ये भाई साहब हम पहुंच चुके हैं फार्म के बाहर, ये रहा गेट और वो खोल रहा है गेट, बाहर की तरफ गोल बार बार। तो प्रणय भैया आ रहा है, अब उनसे पहले कौन आता है वो देखते हैं। कौन आ रहा है देखना हुआ, ये दो दिन हो गए हमसे मिला नहीं है। पागल होगा पांडा गिंडो कर की, ए मोगली पांडा जल्दी आ, हट हट आ गया, आ गया पांडा, पांडा पांडा, ये पांडा पांडा आ रहा, एक दो तीन चार पांच, पांडा आ गया, पांडा पांडा आ गया, पांडा आ गया, पांडा 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 मान जा, कपड़े खराब मत, पांडा कपड़े खराब मत कर, चल चल ये हमेशा ही ये पांडा, चल पांडा चल। तो पहले हम जा रहे हैं पापा से मिलने। हम पहुंच गए वसुधा गौग्राम। और ये काका जी काकी जी इंतजार करते हुए, ये क्या आगे छोरो बड़े मोड़े आए। तो भैया पूरी मतलब जगत में घूम घुमा के हम वहाँ आ गए जहाँ हमको आनंद की प्राप्ति होती है, सुकून की प्राप्ति होती है। वो बात अलग है, हम यहाँ नहीं थे तो पीछे से बिकोरे हुए हैं, वो बिकोरे हुए हैं। मगर ये हमारी झुमरू यहाँ थी, इसने सब संभाला है ना झुमरू, हाँ? इसको बताना पड़ेगा ना, इससे आते हैं करनी पड़ेगी, वो वाली गाय ला रहे हैं, वो वाली देखी है अच्छे अच्छे, इसको पूरा बताना पड़ेगा, इसे डिस्कस करना पड़ेगा, फिर ये हाँ भरेगी तब फिर होगा, है ना झुमर, है ना।
अच्छी होगा ना। अभी डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी इन ईटिंग फूड। चल तू मत बता, तेरी बेटी से पूछता हूँ। चलो वालू तो डरपोक है, पट्टू है पट्टू। मैं वालू अच्छा, मैं वालू बच्चा अच्छा, मैं वालू बहुत प्यारा बच्चा। नाराज हो रही, 2 दिन कहाँ गए थे? ठीक हो गई नाराज। अब यार इस व्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा कमेंट करके जरूर बताना। और कौन सी गाय आने वाली है वो आपको अगले व्लॉग में पता पड़ेगी। हमने फाइनल तो कर दी है, टोकन मनी भी दे दी है, अब बाकी सब प्रभु की इच्छा। ठीक है, जय राम जी की।